लाडू रानी के लिए लहंगा लेके आएंगे तो खुशी इस बात की है। मिलता है कि नहीं मिलता है? और चीकू अयान और जैद की का मैं भी पहन सकती। एक ये वाला पसंद आ रहा है। काश मैं छोटी बच्ची होती। चीकू पापा का पैर हम साथ लेके आए थे, काट के लाए थे। कि शादी वाला लहंगा कौन सा है आप खुद गैस करना। किसी पे दिल आ जाए ना तो वो दूसरी चीज पसंद नहीं आती। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो यहां पे दोनों पुत्र मेरे जो है उठ गए हैं, ये भी गुड मॉर्निंग कर ले हैं। तो भाई यहां पे मेरा अयान भी आ गया है। अयानू गुड मॉर्निंग कर दो सबको। हाँ कर दिया भाई, कर दिया। यहाँ पे सुबह सुबह दोनों बच्चे नेबुलाइजर ले रहे हैं क्योंकि दोनों को हल्का हल्का कोल्ड है और मैं नहीं चाहती कोल्ड बढ़ जाए, तो इसलिए मैंने आंटी को बिठा दिया। मैंने कहा आंटी इनका ना नेबुलाइज कर दो। तो भाई मैं और गोलू दोनों रेडी हो चुके हैं। हम दोनों ने पहना सेम ड्रेस और बस अभी फटाफट निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाना बहुत दूर और दो दो जगह जाना है तो टाइम से निकलना पड़ेगा। 10:30 हो चुके हैं, 11 बजे से पहले पहले हम लोग नीचे रवाना हो जाएंगे। तो गाइस मैं लाडो रानी से नहीं मिली थी, बाकी दो बच्चों से मिली थी, तो मैंने कहा जाते जाते मैं लाडो रानी से मिल लेती हूँ। उठ गई थी, मैंने दोबारा सुला दी है, होएगी तो इसकी नींद पूरी होएगी। तो मैंने ये सोचा है, वैसे तो आप लोगों को पता लग गया है शादी किसकी शादी है, मंदीप भैया और सारिका भाभी की, क्योंकि उनकी भी जो है ग्रैंड मैरिज कभी नहीं हुई, लव मैरिज की थी उन्होंने, तो उनका एक सपना था। मैंने चलो उनका सपना पूरा करते हैं और हमारी लाडू रानी के लिए लहंगा लेके आएंगे, लहंगे के साथ छोटा सा चिपकने वाला वो लेके आएंगे पांखी का। तो गाइस बस मैं भी हो गई हूँ रेडी और जो आईब्रोज है ना थोड़ी सी डार्क लग रही है, बट भाभी ने कहा था कि ना 3 दिन बाद ना ये डार्क लगना शुरू कर देगी, तो कैमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क लग रही है। वैसे रियल में नहीं लग रही पर कैमरे में ज्यादा चल रही है। नाश्ता भी आ गया है तो फटाफट नाश्ता करते हैं क्योंकि बोलते हैं ना भूखे पेट कभी घर से निकलना नहीं चाहिए, हमेशा खा पी के निकलना चाहिए। तो खा पी लेती हूँ ताकि आराम से मेरा जो सफर है वो सुहाना जाए। और यहाँ पे हमारी बच्चा भी उठ गया है, सुलाने गई थी इसको, उठ गई मैंने गोद से जैसे नीचे उतारा, उठ गई। तू भी गुड मॉर्निंग कर दो सबको। तू भी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हो गया डन और आज मुझे ना एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। खुशी है तो पायल ने भाई मेरे लिए ज़ारा के जूते मंगवाए, अपने लिए मंगवाए और जब भी अपने लिए मंगवाती है हमेशा मेरे लिए मंगवाती है। कल भी दिखाया था इसने मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए शर्ट मंगवाई। तो खुशी इस बात की है कि घर में शादी है और खुशी इस बात की है कि ना मेरे और पायल के कपड़े जो है ना सेम है, मतलब मैंने पायल ने सेम साइज पहना है। बहुत बातें करती है, मैं ये बता देती हूँ खुशी इस बात की कि हम जा रहे हैं BMS फैशन और BMS फैशन दोनों, तो अरमान जी के कपड़े और बच्चों के कपड़े और साथ में सूरज भैया के कपड़े, हम सबके कपड़े लेके आ रहे हैं। और उसके बाद हमें जाना है लुधियाना, क्योंकि शादी की जो मेन शॉपिंग है वो लुधियाना से करेंगे हम, क्योंकि कहते हैं कि लुधियाना में ही गड़ इन चीजों का, तो निकल रहे हैं। तो गाइस ये पूरा डब्बा पैक हो चुका है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, हमने सबके लिए खाना लिया है ताकि हमें रास्ते में किसी को भूख ना लगे, कुछ खाना भी हो तो थोड़ा बहुत खा ले। तो पूरा डब्बा पैक है, इसमें सारे हमारे डाइट का खाना भी है और घर का खाना है सबसे ज्यादा मेन। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने जीन्स ले लिया क्योंकि शिकू के पापा की जो कमर है वो 34 है, तो हम चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट चीजें लेके आए। जो अपर होता है ना वो तो हल्का बहुत लूज चल जाता है, पर जीन्स की फिटिंग जब तक नहीं आती ना तब तक मजा नहीं आता। तो हमने सैंपल में जीन्स ले लिए और यहाँ अपनी पानी की 2 बोतलें भी ले लिए प्यारी बहन। सफर लंबा होता ना मुझे नींद आने लगती है और इस गाड़ी में तो ना हमने इस बार बेड नहीं बनाया, बट ठीक है हमने बेड नहीं बनाया ना, मुझे एक कंबल चाहिए, मेरे को सुकून है। तो एक काम करती हूँ रस्ते से ले लेती हूँ। हाँ। तो भाई ये चीज बहुत अच्छी है कि हम लोग BMS 1 जा रहे हैं तो वहाँ पे सब बच्चों के इकट्ठे कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ दूबा जैद और चीकू के। पर मैं सोच रही हूँ काम करके सरिया के बच्चों के भी लगे। अच्छा हाँ मंदीप के बच्चों के कपड़े भी ले लेंगे, चीकू के साइज के मिल जाएंगे दोनों के, विराज और देवराज के दोनों के, भैया तो साथ में है। ये चीज भी सही है कि मंदीप भैया साथ में ना थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाएगा, सारे बच्चों के इकट्ठे कपड़े ले लेंगे। और साथ ही साथ पायल एक बात और कि ना बच्चों के ना जैद अयान तूबा के मैं सोच रही हूँ कि ना गर्मियों के कपड़े थोड़े लेंगे ना, सर्दियों तो चली गई है, उनके गर्मियों के गर्मियों के लेंगे क्योंकि अब पिछली गर्मियों के कपड़े तो उनको छोटे हो गए होंगे, थोड़े खुले खुले कपड़े लेंगे ताकि बच्चे भीचे ना और आराम से गर्मी एंजॉय करे। तो गाइस हम ना बार बार कपड़े ट्राई करने पड़ेंगे ना सबके लिए, हमको ही ट्राई करने हैं। तो हम ना 1 पीस पहन के आए थे पर गर्म पहन के आए थे और पहन के तो आ गए ऊपर तो ठंड लग रही थी, पैरों में लग रही है ठंड, तो दोनों भाइयों ने जैकेट दे दी। मैंने कहा कोई कंबल मिलेगा तो कंबल दे दो, दोनों ने टी शर्ट पहनी हुई है और ब्लू जीन्स सेम सेम ड्रेस, जैसे हम ट्विनिंग करके आए वैसे आप लोग भी ट्विनिंग करके आए हो, तो बाय चांस हो गया। थोड़ी देर पहले ना भैया पूछ रहे थे हमारे सेटिंग को, भैया कि भाभी जूस पियोगे? मैंने कहा नहीं जूस नहीं पीना क्योंकि कल गोलू ने बोला था मुझे जूस पिला देना, तो हमने कहा नहीं जूस नहीं पीना। फिर ना थोड़ी देर बाद अभी 15-20 मिनट बाद ना मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इसने जूस ना खुद पीने के लिए शायद बोला था, क्योंकि हम जल्दी जल्दी आ गए, इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, हमारी जो नीचे वाली जो काम वाली है ना वो लेट आई होगी। तो मैंने पूछा भैया भूख तो नहीं लगी? कह रहे भाभी भूख लगी होती तो मैंने इनको खाना निकाल के दिया। मैंने बोला भैया जब तक हम है ना आप लोगों को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम घर से निकलते हैं ना जब हमें पता है इतना दूर का रास्ता है, देखो कहीं फिर उतर के खाने में भी टाइम वेस्ट होता है और जब हमें पता हमें घर आना है वापस, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबका खाना ना पैक करके चलते हैं। इसके बाद मीठा भी है, ठीक है अचार भी है चाहिए? नहीं नहीं बस बस नहीं है अचार, मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार है, और क्या चाहिए जिंदगी में? वाह ऐसी बहन है सबको दे भगवान।
तो सूरज भैया ना वहाँ पे सामने ना हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये जो बिल्कुल ना और रोड है तो हमने वन पीस पहना हुआ है इसलिए बाहर नहीं जा सकते। तो सूरज भैया गए हमारे लिए ब्लैंकेट लेने, और पायल ने पहले बोल के भेजा भैया सिंगल ब्लैंकेट लेके ना 200 रुपए का। भैया निकल रहे थे, मैंने भैया बोला भैया 200 रुपए से ज्यादा वाला ब्लैंकेट नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैंकेट घर में बहुत सारे हैं और अभी यहाँ पे जो आसपास में है सिंगल वाला ले आना, डबल वाला नहीं चाहिए। तो भैया 2-3 दुकानों पे घूम रहे हैं, अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई अपने ब्लैंकेट हमने ले लिए, 50 रुपए ज्यादा अगर लिया 250 रुपए का कोई बात नहीं, पर अच्छा है। नींद हमारी खुल गई अच्छे से, अब पूरे 1 घंटे का नींद हमने ले लिया था। बहुत निष्ठा को कॉल कर रहे हैं, निष्ठा को कॉल कर दिया है। हेलो निष्ठा डार्लिंग, हमारे चाय पे एक कर दे पिला दे चाय। मैं अच्छी हूं, कौन करे करे बुला के होने किथे हो, असि भी जलंधर तुसी भी जलंधर दोनों जलंधर जलंधर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहां के लिए निकले थे ना घर से, इतने दिन से प्लान कर रहे थे कि पहुंचे पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था, आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। तो पहुंच गए BMS किड्स जहां से हमारे बच्चों के बचपन से लेके आज तक के कपड़े मिलते हैं। हेलो भैया, और यही भैया जो है हमेशा हमें कपड़े चूज कर आते हैं। पहुंच गए आपको पता है कहाँ पर, बस अभी आकर जूस वूस पिए, और यहाँ पर हम कपड़े पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले चीकू, अयान और जैद के, हम तीनों के बच्चों के कपड़े पसंद कर रहे हैं, साथ में विराज और देवराज के भी करने हैं। तो अभी पायल शेरवानी देख रही है, एक तो बहुत सुंदर ना ये वाला प्रिंट लग रही है। कौन सी वाली? चीकू को सुंदर लगेगी। चीकू का साइज आ जाएगा ना सेम? चीकू का साइज तो ये रहा ना, चीकू का ये कौन सा साइज है? वो 14 है ना, तो चीकू को 14 आएगा। ये 14 ही निकाला मैंने। हां चीकू को 14 आएगा, पायल खुला खुला थोड़ा। अरे तो ये उसके लिए देख रही हूँ, विराज के लिए साइज छोटा आएगा ना उसे। मैं ऐसे चेक कर लेती भैया, आ जाएगा विराज को? एक मिनट, ये तो मुझे भी आ जाएगा, मैं भी पहन सकती हूँ बच्चों की शेरवानी। हमें तो लहंगा पहनना ना पहले, तो ये कैंसिल मेरे लिए। वैसे मेरे साइज के बच्चे को आराम से आ जाएगा, तो ये काम कर तू पहन ले, ये 12 नंबर है गाइस। तो गाइस इनके पास समर की भी क्वालिटी आ गई है, और बहुत ही अच्छा स्टफ है ये वाला, जो मुझे कॉट सेट पसंद आया ना, तो पायल ये वाला कॉट सेट तू आराम से पहन लेगी। ऐसे तो टी शर्ट मुझे भी आ जाएगी, मैं जाऊंगी गोवा और यही वाले चीकू के सारे मार के ले जाऊंगी पहन ले। इनका स्टफ भी बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो भाई चीकू के गर्मियों के कपड़ों के बाद टर्न आई है दोनों भाइयों की, तो बड़े प्यारे प्यारे कॉट सेट आए हुए थे। तो एक गुची का कॉट सेट है, ये वाला बड़ा अच्छा लगा, तो ये भी ले रहे हैं हम। ये रेड वाला जो है मुझे ये भी बहुत पसंद आया, ये भी ले रहे हैं। और थोड़े कपड़े खुले ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों के देखो साइज धीरे धीरे बढ़ता है, तो खुले कपड़े सही रहते हैं। फैंडी, उसके पापा चश्मा लेके आए ना फैंडी का, कपड़े ले रहे हैं उसके लिए, अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे से जूते लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो इसमें आपने दो निकाल दो, एक अयान का एक जैकेट निकाल। अरे यहाँ पे स्कूल के शूज भी है, हमें इधर उधर भागना पड़ता है। 38। तो भाई जैसे हम लोग सेम कपड़े पहनते, तो ऐसे हम लोगों ने अपने लिए सेम शूज भी लिए हैं। तो पायल ने लिया 38, मैंने लिया 39, और आज हम ऐसे शूज की बात कर रहे थे कि ऐसे शूज होने चाहिए ना। मैं ऑर्डर करने वाली थी ज़ारा से, पर यहाँ पे मिल गए, पर यहाँ पे हमें मिल गए, तो अभी दो शूज हमने अपने लिए भी लिए। ये तो पहनने पड़ेंगे बच्चों को शादी में, इसमें भैया चीकू के साइज का निकाल दूंगा। तो मैंने अयान और जैद के लिए छोटे से जूते लिए थे, मैं सोची टूबा के लिए मिलूं, तो मुझे ना एक ये वाला पसंद आ रहा है और एक ये पसंद आ रहा है। पायल मैं दो पसंद करे हैं, कैसे लग रहे हैं? लहंगे पे ये वाला अच्छा लगेगा, पर ये बड़ा है गोलू। पायल इन्होंने बोला ना फिर डिजाइन नहीं आएगा, पर ये टूबा को बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वाला, ये बहुत सुंदर है, ये वाला निकाल दो। ये देख लहंगे पे बड़ा सुंदर लगेगा यार, है ना, आजकल लड़कियां लहंगे के ऊपर हील नहीं पहनती है, शूज पहनती है, तो हम तूबा का भी यही ट्रेंड निकालेंगे, शूज पहनने वाला। ये वाला देना मुझे, एक फ्रॉक बड़ी अच्छी लगी भैया, इसमें साइज होगा एक साइज बड़ा देना। हाँ बड़ी सुंदर लग रही है वाली, हाँ तूबा के लिए बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ये तो ले लेते हैं। हाँ तो मैंने ना व्हाइट कलर की फ्रॉक बड़ी प्यारी पसंद करी है, ये वाली बहुत सुंदर लगेगी ये फ्रॉक। ये तीन हो गई, ये तीन फ्रॉक हो गई, बाकी कॉटन में दिखा। टूबा की शॉपिंग जो है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे घर में एक ही लाडो रानी है। भैया और... इतनी सारी फ्रॉकें पसंद कर लिया, सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की, एकदम ना प्रीमियम क्वालिटी है ये, हमने सारी कॉटन की, गर्मी आने वाली है तो बच्चों को पहनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक। देखिए बड़ी सुंदर, काश मैं छोटी बच्ची होती, पर ये छोटी है, ये छोटा साइज है, वाओ ये साइज सही है। हमारे साइज की नहीं आती क्या इनमें? ऐसी नहीं आती हमारी, माँ बेटी तीनों एक साथ पहने, कोई पहननी है ऐसी देना, अगर वहाँ पे वहाँ पे हो ना, तो हमारी ये भी अच्छी लग रही है, तीनों माँ बेटियों के लिए देना। हाँ ये भी बस भैया हो गया, फ्रॉक तो बहुत सुंदर है सारी।
और बाकी चीकू के लिए टी शर्ट। हाँ चीकू के लिए टी शर्ट और वो दिखा दो। तो भाई चीकू की भी टी शर्ट कम्प्लीट हो गए, तो अभी हम ले रहे हैं कार्गो। यहाँ पे भाई हमारी चल रही है पैकिंग, जो जो सामान हमने लिया है ना सब हो रहा है पैक। भाई बड़ी मुश्किल से चश्मे सेट हुए थे मुँह पे, देखो चश्मे दिख गया लास्ट टाइम जब सामान आया था ना, तो ये वाले ब्रांड का आया था हमारे पास। ये ब्रांड बड़ा प्यारा है, बड़ा मतलब ऐसा लगता है एकदम ना सॉफ्ट है। पर हमने बच्चों को ये वाला मैंने पिना रखा है, ये वाला याद है बहुत फैन है तीनों ने। तो ये वाले ब्रांड की हम ले रहे हैं क्योंकि बहुत प्यारा प्रीमियम क्वालिटी है, स्टफ बहुत अच्छा। तो अभी जिस वेदर में मतलब जो वेदर है ना उसके हिसाब से ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे। रात को ना क्योंकि हीटर भी चलता है तो बच्चों को ना रैशेज हो गए थे बॉडी में बहुत ज्यादा, तो मैं सोच रही हूँ ये वाले जो है इस सेट ले लेती हूँ। तो मैं ये वाले मैं बता पसंद करती हूँ। ओके कह रहे हैं, ये वाली पसंद करी है ओके। और ये वाला का स्टफ बहुत अच्छा है, और एक ये वाली बहुत अच्छी लगी है। और इनमें से ना टी शर्ट बताना, व्हाइट ज्यादा हटा दो। अब हम आ गए हैं बीएमएस फैशन, और यहाँ पर मिलते हैं आपको बॉयज के कपड़े, लेडीज के कपड़े, मतलब एवरीथिंग। अगर आप चाहो जैकेट लो, शर्ट लो, सारी चीजें। तो मैंने चीकू के पापा के लिए कम से कम ना 8 से 10 जीन्स पसंद करी, और आपको पता हो कैसे कपड़े पहनते हो, पहनते फंकी कपड़े। तो मैं जरा थोड़ा से दिखा देती हूँ भैया, ये जरा एक बार पीस दिखाना कौन कौन से पसंद करे। तो आप देखोगे ना इतना अमेजिंग फैशन पसंद करा हमने। एक ये वाली जीन्स पसंद करे, इनको बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इनके कपड़े मैंने कहा इनसे पूछ के लूँ। एक ये वाली जीन्स ली है टॉन, एक ये जीन्स ली है, और एक ना मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली, ये दिखाना ये वाला पीस। ये तो बिल्कुल अल्टीमेट है, मतलब मैंने पहली बार ऐसे ऐसा डिजाइन और ऐसे इसमें ना लड़कों के लिए कुछ देखा है, अदरवाइज ये ब्लिंकी ब्लिंकी लड़कियां ही पहनती है ज्यादातर। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लिए, सारे कपड़े आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो अभी ये कपड़े पसंद करें, तो ये कपड़े हम कर रहे हैं साइड पे। तो भाई बच्चों की शॉपिंग हो गई है, बच्चों के पापा की शॉपिंग हो गई है, तो बच्चों की माएं बची हैं, इसलिए माएं आ गई है नीचे। बीएमएस लेडीज वाला जो है ना, मतलब आप यहाँ पर आते हो ना तो पूरी फैमिली के कपड़े ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों के नहीं मिलेंगे, लेडीज के नहीं मिलेंगे, कुछ भी कपड़े ले सकते हो। जो लेडीज कपड़े, जूते, बेल्ट, शूज, साड़ी, चश्मा, सब कुछ। इवन आपके यहाँ पे तो बैग भी है। हाँ मैं यहाँ से बैग लेके गई थी पिछली बार। हाँ मैंने भी, हमने भी बैग लिए थे, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बैग थे, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे लेडीज सेक्शन में ना बहुत ही ट्रेंडी जो आजकल चल रही है ना फुटवेयर वो आई हुई है, तो मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ से उठा लेते हैं कुछ कुछ। मैंने ये डियोर वाला उठाया है, और एक ये वाला उठाया है, एक ये वाला उठाया है, और एक मुझे ये भी अच्छा लग रहा है फ्लैट। बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ये बैग कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो ये बैग मैंने यहीं से लिया था, और इसके अंदर आई थिंक कलर भी है व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर है इसका, और हमने बहुत मैंने बहुत यूज करा है, सच में बड़ा सुंदर बैग है और ट्रेंडी भी लगता है। तो ये इसका व्हाइट दे दो, ब्लैक है ऑलरेडी। तो मैंने पायल के लिए क्रॉप टॉप और पैंट पसंद करी, मुझे वो अच्छा लगा, पायल पे बहुत सुंदर भी लगेगा। पायल अच्छा लगा तुझे? देख रही हो अभी, मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा। आई नो। तो हमारे साथ चीकू के पापा नहीं थे, पर चीकू के पापा का पैर हम साथ लेके आए थे। अभी सोचो कैसे लेके आए थे, काट के लाए थे, काट के नहीं लाए थे। सूरज भैया का पैर और चीकू पापा का पैर सेम है। सूरज भैया को पहना पहना के शूज चेक करे, और शूज हमने कौन कौन सी लिए मैं दिखा देती, पीछे है जूते बहुत अच्छे। शॉपिंग करिए, सबसे ज्यादा सुंदर मुझे ना ये वाला लगे, बहुत प्यारा डिजाइन है ये, बहुत डिफरेंट है। एक ये वाला, एक ग्रीन वाला, और भाई मैंने और पाल ने भी अपने लिए चप्पल ली है, तो दो ली है सेम 38-39, और एक ब्लैक चप्पल ये ली है, और एक ये गुची वाली। ये वाले शूज भी बहुत अच्छे हैं इनके, व्हाइट। मैं बेल्ट ले रही थी अपने लिए, ये देखो यहाँ से शुरू, यहाँ से घुमाया क्या आ गया। दो बेल्ट बन जाएंगे मेरी, बस एक बकल ले लेते एक्स्ट्रा साथ में। तो मुझे ना ऐसी वाली टी शर्ट पसंद आई है इनके लिए, क्योंकि इनको ना ऐसे थोड़े कपड़े ऐसे पसंद है, खुले खुले टाइप के, जर्सी टाइप के टी शर्ट। तो ये वाले मैं बहुत देर से टी शर्ट ढूंढ रही थी इनके लिए कौन सी लू, क्योंकि इनको जिम जाना होता है, तो हमें ये वाली टी शर्ट बहुत अच्छी लगी है, ऐसी लूज लूज पाई तो। और ना बहुत ज्यादा लूज लूज अच्छी लगी है, और बहुत ही प्यारा प्रिंट है, मतलब ये प्रिंट ना हर जगह मिलता नहीं है। अगर आप बहुत बड़े ब्रांड्स में जाओगे तो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी, पर यहाँ पे ये सब मिल रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है कि हम थक गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इतने सारे कैमरे लगे। यार मेरी ना नजर एक बैग पे गई है, ये जो सारे स्टार्स पहनते हैं, मैं सोच रही हूँ चीकू के लिए ले लूं। एक बार देखते हैं, एक बार दिखाना। ये सारे स्टार्स पहनते हैं ना, वो बैग है ना। तो यहाँ पर भाई हम बच्चों के कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या बच्चों को पहनाएंगे कपड़े।
टूबा के हमने तीन फ्रॉक ले लिए और आया जैद के भी तीन तीन जोड़े हो गए हैं। हमने मेन यहाँ से ना कोट पैंट वगैरह नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हमने कोट पैंट लिए थे, तो हमने सोचा कि अभी बच्चे पहले वो ही पहन लेंगे। हाँ। पैसों की वेस्टेज करना भी सही नहीं है ना। हमने बच्चों के लिए बहुत यूजफुल चीज ली है, फुल कॉट सेट जो घर में पहनेंगे और हाफ वाले शॉर्ट्स वाले तो वो गर्मियों में पहनेंगे, टूबा फ्रॉक पहनेंगे। तो टूबा के लिए लिया है हमने तीन फ्रॉक, बस बहुत सुंदर फ्रॉके लिया और कॉटन की फ्रॉके बड़ी ज्यादा सुंदर लिए चिकू के पापा के। तो अब हम वहाँ से निकल गए हैं जलंधर से, अब हम जा रहे हैं लुधियाना। ऑलमोस्ट कितना रास्ता रह गया? 20 मिनट का, 20 मिनट का रास्ता रह गया। तभी तो सूट सारे, तभी हम सारे सूट इतने लूज हो गए हैं। घर पे आए थे ना? हाय, कैसे हो? बस बहुत अच्छे, घर पे मिले थे, है ना? भी याद रहता है? हाँ, मुझे याद है। घर पे नहीं नहीं इतना इतना भी ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता है घर में शादी या शादी किसके है वो भी पता है। तो हम लोग पहुंच गए प्रीति जी के पास। हमेशा फोन पे मंगा लेते हैं, मैंने कहा इस बार हम इस साइड आए हैं तो यहाँ आके एक बार पूरा कलेक्शन दिखा देते हैं आपको भी और खुद को भी। और सबसे अच्छी बात कि जो जो हम चीज लेंगे ना हमें यहाँ पे ज्वेलरी भी मिल जाएगी, तो ज्वेलरी के लिए भी हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि इनके पास जो ज्वेलरी है ना वो भी एंटीक है, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। देखो यहाँ पे हमने बोला हमें थोड़ा सा चटक एंड मटक दिखा दो क्योंकि घर में देखो शादी वाला ओकेजन है, जो डार्क कलर जो होते हैं ना वो वीडियो में बड़े खिलके आते हैं, तो अभी कलर बड़ा अभी लास्ट टाइम उन्होंने गोद भराई पे ऑरेंज कलर का पहना था, बहुत वो यहीं का था और वो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर सबने पूछा था कहाँ से लिया। वो ऑरेंज सूट बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था, उसका इवन शरारा भी वो सूट बहुत अच्छा था। और मुझे ना इस बार ना मुझे पालकू ने कलर चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ, वॉयलेट कलर। तो पहला सूट है ये और ये शिफॉन में है वाइन कलर, तो ये तो हमने देखते ही बोल दिया इसको सेट कर दो, सॉरी सेट कर दो, साइड कर दो। और इसका जो दुपट्टा है ना भी बहुत ही प्रिटी है, तो भाई मुझे तो ये कलर बड़ा सुंदर लगा, बहुत ही प्रिटी कलर है, तो ये कलर हमने कर दिया साइड पे, अच्छा लग रहा है। पाल देखिए कलर, वाह वन पीस पे अच्छा लगा, बड़े कलर बड़ा सुंदर लग रहा है। जब मुझे कोई सूट अच्छा लगता है ना तो मैं उसको सर पे चुन्नी लगा कर देखती हूँ कि वो कैसा लग रहा है फेस पे। पूरा इसको लगा के भी देखें, इट विल लुक रियली नाइस। मैं आपको एक बार आई जस्ट हेल्प यू आउट, देख पाल अच्छा लग रहा है कलर। तो ये कलर तो भाई पसंद आ गया, बाकी और चीजें देखती है। तो गाइस एक तो क्रीम ये वाला सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये कलर अभी तक पहना भी नहीं है और इसकी चुन्नी सच में बहुत अच्छी है। तो एक तो ये हो गया सिलेक्ट, ठीक है ये इसकी बाजू है। एक ये गोलू ने सिलेक्ट किया है, दिखा चुकी ये गोलू ने सिलेक्ट किया है। एक फिर मैंने, मेरे पे पिंक कलर बहुत ज्यादा जचता है तो मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया है, दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। थोड़ा ब्राउन ड्रेस में आ गया ना ये, एक्चुअली ना थोड़ा सा डिफरेंट लाइक इसका दुपट्टे का 3D काम है ये, ये देखो अच्छा लग रहा है। अच्छा चल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ब्लू हो गया ना। हाँ एक तरह ये ब्लू हो गया, ये था ब्लू। हाँ ये क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा गोलू ने क्या लिया है, मैं फोटो दिखा देती हूँ। ये ना कुछ पीसेस में आता है, ऐसा दिखेगा, इसके 8-9 पीस होते हैं, 1, 2, 3 क्योंकि बाहर से सारे सूट इम्पोर्ट होते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब चुन्नी अलग, जब ये कंबाइन होएगा ना तब इसकी तब आपको इसका लुक पता लगेगा। तो ये एक गोलू ने कर दिया, दो हो गए, दो पाल के हो गए, दो मेरे हो गए। अब एक ये मेरा है, ये मैं अनारकली अनारकली बहुत ही खूबसूरत, दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट अनारकली, इसमें ये भी पीसेस में गाइस ढूंढना पड़ेगा इसका पेपर का है। तो ये गाइस कुछ ऐसा बनेगा ऐसा, ये बड़ा सुंदर कलर है, ये इंग्लिश कलर जो होता है बिल्कुल, तो ये बहुत ही प्यारा कलर है। और आजकल देखो आजकल क्या, ये कलर हमेशा से इन रहा है, ये कलर हो गया, कॉफी कलर हो गया, हमारे पास सेम ऐसे कलर का कपड़ा ऑलरेडी रखा हुआ है, हमने बनवाना है बनवाया नहीं है, ऐसा ही है सेम वो। अच्छा ये पूरा इसका है? हाँ ये पूरा इसी का है, ये बॉर्डर्स आएंगे सामने। अब रह गए दो, एक ये और एक ये, और दोनों सिमिलर लग रहे हैं। ये अच्छा इसका, ये अच्छा। हाँ ऐसा ही था ना वो ऑरेंज, हाँ ऐसा भारी था, लिटिल बिट डिफरेंट, काफी डिफरेंट है वैसे। हाँ क्योंकि इनके पास एक ही वो है कि ना एक पीस का एक ही आता है, अगर आपको दूसरा मंगाना है तो उसके लिए ऑर्डर डालना पड़ता है। तो गोलू ने लास्ट टाइम ऑरेंज कलर पहना था ना, उसके दुपट्टा कुछ ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था, पर पीस अलग था, पीस अलग था और ऑर्गेंजा में था, नहीं नहीं नेट में था वो दुपट्टा, नेट में था ऑर्गेंजा नहीं था। तुझे याद रहता है? हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है, मैंने लिया था ना, याद है। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर ले कौन सा, पर मेरे हिसाब से तेरे पे लॉन्ग ही अच्छे लगेंगे। फिर कुछ और दिखा दो इसको, और कुछ और दिखा दो क्योंकि ये वाला सब मुझे नहीं लेना। बता वो अच्छा लग रहा है? ये एक बार दिखाओ लगा के, ये देखो पूरा लगाओ,
एक बार देख कलर, तू कलर देख क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कलर में पता नहीं अच्छी लगू ना लगू, लाइट है। एक बार हाँ एक बार मैं कलर लगा कर देखती हूँ, देख मैं दुपट्टा आपको साथ में देती हूँ, दुपट्टे के साथ। चलो जी मिलते हैं, टाइम से भेज देना। श्योर वैसे तो टाइम से पहले ही आ जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से देखो बात और बोलनी थी जी, मैं लास्ट टाइम आपको बोल नहीं पाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्लोरी गिफ्ट, बहुत प्यारा लगा था। मेरा आप ऐसे कुछ छोटा सा जेस्चर था तो मैं उस टाइम पे मेरी वो मेरा फ्लोरोशे लेके आया, आई जस्ट फॉरगॉट टुडे आल्सो। तो वही ये चीकू के लिए स्पेशली क्योंकि उसको बड़ी पसंद है फ्लोरोशे। या तो ये अभी सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं जो पीछे खड़े हैं ना सारे, या ये खोल लेंगे मीठा छोड़ा हुआ है। ओके ऑलराइट चलो जो कोई भी खाए एंजॉय इट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पूनम बाय 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 बाय। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सीओ ब्राइडल स्टूडियो और यहाँ से ना मैं पायल चीकू के पापा पहले भी आए थे, पायल के शादी के टाइम पे पायल ने जो मेहंदी में लहंगा पहना था वो यहीं का था, पायल चीकू के पापा की शेरवानी, चीकू के पापा की शेरवानी भी यहीं की थी। और तो अभी सोचा कि काम करते हैं दुल्हन के लिए ड्रेस पसंद करते हैं। सबसे पहले देखो दुल्हन और दूल्हा बड़ा इम्पोर्टेंट, दूल्हा हमारे साथ में है और दुल्हन हमारी अपने घर पे है तो हम ही पसंद करें क्योंकि हम है दुल्हन की प्यारी सखियाँ। ठीक है तो अभी ड्रेस देखती है। वाह बहुत सुंदर लग रहा है यार ये, बहुत भारी है तो मैं तो गिर जाऊंगी इसमें। तो तू दुल्हन थोड़ी है फिर भी, ये तो बहुत भारी है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अच्छा एक बन एक ये है और एक ये है इसके नीचे। वाह यार तो मेरे को तो ऊपर वाला बढ़िया लग रहा है। हा? एक बात बोलूं लहंगा दुल्हन का होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये वाला जो कलर है ना पिंक वाला पायल बहुत भारी है। सॉरी पायल गिराएगी, एक मिनट अंकल लहंगा उठा रही हूँ। ये जो कलर है नीचे का पिंक, एक मिनट ये रिसेप्शन कलर है पायल, ये होता है ब्राइडल कलर। अब भाभी देखो हमारी पहली बार दुल्हन बन रही है, थोड़ा शर्माओ ना भैया। भाभी मैं तो शर्माऊं, कई दिन हो गए मतलब 3 दिन हो गए। ये सच में बहुत सुंदर है, ये हमने एक आपके लगाए मैं तो लगा लूंगी, मेरे को पहले दुल्हन का देखना है, हमारा मेरा तो होता रहेगा। नहीं प्रॉपर कंपैरिजन करना है पहले, और भी ऑप्शन देखो, ये एक शॉर्ट लिस्ट में रखो। ओके और भी देखूंगी। ये कितने किलो का होगा भैया? 3-3.5 नहीं ज्यादा लग रहा है, 2-6 भाई ने इसका लग रहा है। अब एक काम करो सुनो, ये मैंने कर दिया ये फाइनल, फाइनल अब नहीं फाइनल नहीं होगा गाइस, अभी हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, उनमें से सिलेक्ट करेंगे, आपको नहीं बताएंगे कि शादी वाला लहंगा कौन सा है, आप खुद गैस करना। तो गाइस इनका लाने का स्टाइल इतना अच्छा है ना, मैं आपको दिखाती हूं, ऐसा ही था। ये तो कहीं भी कुछ भी कर दे, पर एक बात है जो किसी पे दिल आ जाए ना तो वो दूसरी चीज पसंद नहीं आती। मेरा दिल आ चुका है पहले वाले लहंगे पे तो मुझे ना शायद ना पसंद आए, पर इसकी भी ग्रेस अच्छी है, बहुत सुंदर है ये। हाँ तो गाइस ये दो लहंगे हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से कौन सा लहंगा लेना चाहिए, हम फिर फाइनल वही वाला लहंगा करेंगे जिसके सबसे आप वोट आएंगे कि ये लहंगा ले या ये लहंगा ले। मंदी भैया से पूछा तो भैया कह रहे दोनों अच्छे हैं, ठीक है हम कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ तो भाभी को फोटो भेजिए, भाभी जो सिलेक्ट करेगी वो ले लेंगे और अब देखते हैं अपने लिए। तो गाइस एक तो शेरवानी ये देखी थी जो मुझे अच्छी लगी पर लहंगे के साथ मैच नहीं हो रही है क्योंकि लहंगा मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ, तो एक और भैया ले आओ जरा, दुल्हन ले आओ, नहीं दूल्हा ले आओ, दूल्हा आ रहा है जिनकी ड्रेस का स्टाइल है। वाओ उन्होंने कलर कुछ ऐसा पहना था, हमने उनको खरीदी थी। और तो गाइस यहाँ पे ना आपको दुल्हन के साथ दूल्हे का आउटफिट भी मिल जाएगा, आप परचेज भी कर सकते हो और अगर बजट नहीं है तो आप रेंट भी कर सकते हो, पर हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। भैया इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी 140,000 की है। कितने आप अभी? 1,40,000 का, वो तो महंगा होता है। कोई बात नहीं भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई नहीं भाभी, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो गाइस ये वाला जो स्टाइल है ना वो भैया को कंफर्टेबल नहीं लग रहा, नीचे फ्रॉक जैसा बोल रहे हैं, भैया कह रहे हैं मुझे ऐसी स्टाइल में जो है वेयर करना है लहंगा शेरवानी, तो अभी बस कलर वगैरह चेक कर रहे हैं फिर डिसाइड करते हैं क्या ले रहे हैं। तो ये वाली ज्वेलरी और ये वाली ज्वेलरी कौन सी ज्यादा ज्वेलरी अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना। हम लोग का भी ब्राइडल ज्वेलरी पसंद कर रहे क्योंकि सब पहले सब कुछ हमने ब्राइडल का करा है, ब्राइडल का लहंगा पसंद करा, ब्राइडल की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने चीकू पापा का सारा सामान ले लिया क्योंकि उनको जो सबसे पहले उनको ही दिखाना है क्योंकि बच्चों का तो हमने सिलेक्ट किया, उनके नखरे तो होंगे नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि हम उनकी मम्मी अब बाहर है सुबह से उनके लिए शॉपिंग कर रही है, अपने लिए सिर्फ सूट लेके आई है, वो भी अभी तक आया नहीं है, हमारे यहाँ पे दो शादी के आसपास आएगा, बस हमने अपने लिए दो चप्पल लिए, बाकी सब चीकू पापा चीकू और बच्चों।